अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपना डिनर का व्लॉग, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक दें, और हमें अपनी जो सी है सजेशन के लिए वो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है, और इसके अलावा अगर कोई आप लोग फरमाइश करना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अब हो गया है डिनर का टाइम, तो आज हम लोगों ने घर में कुछ भी नहीं बनाया। आज हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग बाज़ार से ऑर्डर करें, तो हम लोगों ने आज बाज़ार से जो सा है वो खाना मंगवाया है। यहाँ का बहुत ही फैसलाबाद का फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोगों ने मतलब मंगाए हैं पीस, ठीक है, कबाब है, नान है, और इसके साथ यहाँ पर पड़े हैं प्याज, दही की चटनी है, तो केचप हम लोगों ने अपने घर से ले लिया है, और यहाँ पर है पराठे। पराठे दो तरह के, आलू वाले और वो है चिकन वाले पराठे। तो हमें के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने मतलब पीस और वो कबाब के साथ साथ हम लोगों ने पराठे भी मंगवाए हैं। तो अब मम्मा की तरफ चलते हैं, और मम्मा आप अपने बहन से सलाम दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं ये चिकन वाले, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। हम लोग अमूमन चहरी में भी ये मंगवाते हैं। ये देखें इनकी फीलिंग जोन सी, मतलब इनका अपना एक ख़ास मसाला होता है जिसको मतलब ये तैयार करते हैं, सीक्रेट रेसिपी होती है इनकी। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सीक्रेट रेसिपी है वो जानने की कोशिश करें, और अपने व्यूवर्स के साथ मतलब जो लोग घर में पराठे बनाते हैं उसके साथ हम लोग वो रेसिपी को शेयर करें, ताकि आप लोग बिल्कुल बाजार जैसे जो उनसे पराठे हैं वो घर में बना सकें। अच्छा जी, ये है अंडे और आलू वाला, इसके ऊपर अंडा भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें अंडा भी है और आलू भी है इसके बीच। ये देखें ज़रा, आपको करीब से दिखाते हैं, ये है जी इसके ऊपर अंडा भी लगाया हुआ है और आलू भी, मतलब बहुत स्पेशल किस्म के पराठे होते हैं, इसीलिए हमें पसंद है कि सिर्फ ये आलू वाले नहीं है, खोल के भी दिखाते हैं। हाँ, इसके ऊपर अंडा भी लगाया हुआ है और आलू भी, और मोटा भी है बीच में है। ये देखिए आलू तो ऊपर ये अंडा लगाया हुआ, जैसे आमलेट अंडा नहीं होता। हाँ, मतलब बीट करके ही लगाया हुआ। इन लोगों की खास रेसिपी है, इनका एक खास बनता है होटल का, मतलब जो इनकी सारी चीज़ें तैयार करता है। यहाँ पर जो पीस है वो भी हम लोगों ने मंगवाए हैं, और वो नान है, और यहाँ पर जो प्याज है, कबाब है, हम लोगों ने मतलब मेन जो चीज़ इनकी पसंद है ज़्यादा हमें वो उनके पराठे पसंद है, क्योंकि पराठों की फीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और आपने देख भी लिया कि मतलब यहाँ पर डबल काम किया, मतलब इसके ऊपर अंडा भी लगाया हुआ है, और जो फीलिंग है इसकी वो आलू की भी है। तो अब हम लोग खाने को शुरू करते हैं, तो मम्मा आप निकालें, खाना सर्व करें। तो अब हम लोगों ने खाना भी शुरू कर लिया, तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो को हम लोग शेयर करें, क्योंकि घर में तो आपको पता है थ्रू आउट ईद में मतलब मुख्तलिफ डिशेस बनती रही हैं, और गेट टुगेदर भी होता रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाहर तो मतलब जा नहीं सकते थे, पाबंदी थी कि लॉकडाउन था, कि मतलब आप लोग आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, या बाहर मतलब सब कुछ बंद था कि आप लोग खाना नहीं खा सकते, वरना हम लोग बाहर जाकर जो वीडियो वो रिकॉर्ड करते और आप लोगों के साथ शेयर करते कि हम लोगों ने ये जो सी मतलब खाना पीना था, हम लोगों ने इनफैक्ट आउटडोर करना था, लेकिन आप लोगों का पता है कि ड्यू टू मतलब जो सी है गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने घर में ही खाना ऑर्डर कर लिया और मंगवा लिया सब कुछ हम लोगों ने, और घर में ही हम लोग जो सी है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जैसे ही मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम लोग इंशाल्लाह जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा बाहर जाएँगे, और मतलब बाहर जाके खाना वगैरह खाएंगे, होटलिंग की जो मतलब होगी वीडियो वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो मम्मा आप मतलब शुरू करें खाना। हाँ जी बेटा। तो व्यूअर्स अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो मम्मा आप लोग आप भी इजाज़त ले रहे अपने बहन भाइयों से। खुदा हाफिज़। ठीक है व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो उनसे हम लोग व्लॉग शेयर कर रहे हैं इनके हवाले से वो आप लोग को पसंद आएंगे, पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।